नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज हम बात करेंगे MMRCA 2.0 के बारे में, जिसमें हमने वायुसेना के लिए 114 फाइटर जेट खरीदने हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि हम 36 राफेल की खरीदने की मंजूरी फ्रांस सरकार को दे चुके हैं और सितंबर में उनकी डिलीवरी शुरू भी हो जाएगी। तो ऐसे में हमें ऐसा लगता है कि जैसे राफेल फाइटर जेट को ही हम अगर सिलेक्ट कर ले MMRCA 2.0 के लिए तो ये कैसा रहेगा, क्योंकि ये फाइटर जेट अच्छा है तभी हमने इसका परचेज करने का फैसला किया है। लेकिन हम इसको आगे क्यों नहीं बढ़ा रहे, उसके पीछे वजह क्या है, और अगर हम किसी वजह से राफेल को नहीं परचेज करते तो दूसरा कौन सा फाइटर जेट हो सकता है जो हमें खरीदना चाहिए, इसके बारे में बात करेंगे आज। दोस्तों, राफेल एक मल्टी रोल फाइटर जेट है और इसके लिए हमने 1.3 बिलियन यूरो की डील की है 36 फाइटर जेट के लिए, और इस फाइटर जेट को इंडिया की जरूरतों के हिसाब से इसके अंदर परिवर्तन करके तैयार किया गया है। तो फिर ऐसे में क्यों नहीं हम इसको इसी को ही परचेज कर लेते, और जबकि फ्रांस भी MMRCA 2.0 के लिए जोर लगा रहा है कि 114 फाइटर जेट जो राफेल ही परचेज किए जाएं। तो इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है दोस्तों कि इसका जो पर प्लेन कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा है, और ख़ासकर जब उसको इंडिया में बनाया जाना है तो इसका कॉस्ट और भी बढ़ जाता है, क्योंकि सारा इकोसिस्टम उसी तरह से तैयार करना पड़ेगा जो राफेल के लिए ज़रूरी है। और आपको पता होगा इससे पहले HAL के साथ डील की गई थी कांग्रेस गवर्नमेंट के दौरान कि HAL बनाएगा इन फाइटर जेट्स को, तो उसके बाद HAL यही नहीं बता पाया था कि हमें इसके लिए कितने कर्मचारी चाहिए, और उन्होंने जो संख्या बताई थी वो 3 गुना ज़्यादा थी जो फ्रांस में कर्मचारी काम करते हैं राफेल जेट के ऊपर। तो इसलिए फिर बाद में उन्होंने कहा कि अगर आप राफेल इंडिया में बनाना चाहते हैं HAL के थ्रू तो हम राफेल की फिर गारंटी नहीं ले सकते कोई। तो ये चीज़ हो चुकी है, और ऐसे में अगर इसको आगे दोबारा से मेक इन इंडिया के तहत बढ़ाया जाता है तो उसका उस पर हमें बहुत ज़्यादा सोचना पड़ेगा, और दूसरी बात कॉस्ट भी इसका काफ़ी ज़्यादा है। तो ऐसे में क्योंकि हमने 114 फाइटर जेट लेने हैं और ये बहुत बड़ी डील है, तो ऐसे में जो दूसरा फाइटर जेट हो सकता है वो क्या कौन सा हो सकता है, और मेरे हिसाब से जो फाइटर जेट है दूसरा वो MiG-35 हो सकता है। क्यों है, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों, MiG-35 जो है ये रशिया का 4++ जनरेशन फाइटर जेट है, यानी नियरली ये 5th जनरेशन हो सकता है। और दूसरा, इसके अंदर जो सबसे बड़ा बदलाव किया गया है वो है लेटेस्ट AESA रडार। ये रडार बहुत जरूरी है, हम अपने पुराने फाइटर जेट्स के अंदर भी यही रडार लगाने की कोशिश कर रहे हैं, और ऑलरेडी उन्होंने MiG-35 के अंदर इसको फिट कर दिया है। दूसरा, इसके अंदर 5th जनरेशन फाइटर जेट के भी फीचर्स हैं, जैसे कि इसका इंफॉर्मेशन साइटिंग सिस्टम है वो 5th जनरेशन ग्रेड का है। इसके अलावा इसके ऊपर स्टेल्थ कोटिंग की गई है, यानी कि यह रडार की पकड़ में नहीं आएगा, और ये सबसे बड़ा फीचर है 5th जनरेशन फाइटर का, और यही हम चाहते हैं। और दूसरे नंबर पे दोस्तों कि इसके अंदर एक स्टेट ऑफ द आर्ट डिफेंस कॉम्प्लेक्स ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक रिकनसेंस स्टेशन लगाया गया है, और ये ऐसा सिस्टम है जो केवल और केवल 5th जनरेशन फाइटर जेट में ही होता है, और ये स्पेशली रशिया ने हमारे लिए मॉडिफाई किया है, क्योंकि रशिया को पता है हमारी ज़रूरतें क्या है। हम ऑलरेडी उनके Sukhoi-30 फाइटर जेट यूज़ कर रहे हैं, पुराने मिग भी हम आज भी इस्तेमाल कर रहे हैं, और रशिया का यहाँ पर एक काफ़ी ज़्यादा प्रभाव है, क्योंकि यहाँ पर उसके साथ में जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग हमने की हुई है, Sukhoi-30 अंडर लाइसेंस बनाए जा रहे हैं, तो रशिया ने काफ़ी ज़्यादा गाइडेंस दी हुई है, HAL के साथ उनका इनकॉर्पोरेशन है, तो ऐसे में रशिया जो है हमारे लिए बेटर साबित हो सकता है, क्योंकि इससे हमारा कॉस्ट भी नहीं बढ़ेगा, और ऑलरेडी एक ऐसा इकोसिस्टम है जिसमें रशिया काम करना जानता है, तो इसलिए भी MiG-35 हमारे लिए फ़ायदे का सौदा हो सकता है। और दूसरा दोस्तों, आपको पता होगा MiG-35 जो है वो MiG-29 से डेवलप किया गया है, और MiG-29 हम अपनी नेवी के लिए आज भी इस्तेमाल कर रहे हैं, और MiG-29 में हमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आई है जैसे MiG-21 में आ रही है। और दूसरा, ये उससे 30% ज़्यादा बड़ा है, और इसकी वेपन कैरिंग कैपेसिटी जो है उससे डबल है MiG-29 से। तो ऐसे में अगर इसका कॉस्ट निकाला जाए पर फ्लाइट कॉस्ट, तो ये 2.5 टाइम्स यानी 2.5 टाइम कम है MiG-29 से, तो ये कितना बढ़िया सौदा होगा हमारे लिए, आप समझ सकते हैं। और दोस्तों, जो MMRCA 2.0 में सबसे अगर चीपेस्ट फाइटर एयरक्राफ्ट की बात करें जो हमें सबसे ज़्यादा इकोनॉमिकल पड़ता है, वो भी MiG-35 ही है। और दूसरा दोस्तों,
रशिया से अगर हमें ये सबसे सस्ते प्राइस में मिलता है तो जो हमारे पैसे बचते हैं उनका हम इस्तेमाल इसका अपग्रेडेशन करवाने में कर सकते हैं, स्पेशली इसको हमारे हिसाब से और ज़्यादा हम तैयार करवा सकते हैं। और रशिया को पता है कि FGFA डील कैंसिल हुई थी जो कि बहुत बड़ी डील थी, तो ऐसे में रशिया जो है हमारी ज़्यादा से ज़्यादा मदद करेगा ताकि वह हमारा विश्वास जीत सके दोबारा से। और दूसरी दोस्तों, हम सुखोई 30 को सुपर सुखोई में बदलने का प्रस्ताव ला रहे हैं, हमारा विचार है ऐसा। और हमने देखा है कि कभी रशिया हमें इंजन ऑफर करता है सुखोई 30 के लिए, कभी नई मिसाइल ऑफर करता है और हमें उसकी ज़रूरत भी है, तो ऐसे में दोनों काम साथ में हो सकते हैं अगर हम MiG-35 परचेज करते हैं, क्योंकि दोनों के लिए सेम सिस्टम लग सकता है, एक ही देश से हमें डील करनी होगी और उसके साथ हमारा एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए MiG-35 सबसे बेस्ट रहेगा। दोस्तों अगर हम MiG-35 की पावर की बात करें तो इसके अंदर अभी RD-33M के इंजन लगा हुआ है। ये इंजन ऐसा इंजन है कि इसके अंदर कुछ सब सिस्टम दिए गए हैं जिससे इसकी इंफ्रारेड और ऑप्टिकल विजिबिलिटी कम हो जाती है। जैसा कि आपको पता होगा, जो हीट सीकिंग मिसाइल्स अटैक करती हैं वो इंजन वाली साइड पर अटैक करती हैं दुश्मन के फाइटर जेट पे, और हीट को, जो इंजन की हीट होती है उसको डिटेक्ट करके हमला करती हैं। लेकिन अगर इसकी इंफ्रारेड और ऑप्टिकल विजिबिलिटी कम होगी तो ये मिसाइल की पकड़ में जल्दी से नहीं आएगा, तो सीधी सीधी इसकी ये कैपेबिलिटी बढ़ जाती है। दूसरा, अगर हम अपने हिसाब से इसके इंजन में थोड़ा चेंज करवाते हैं, फॉर एग्जांपल RD-330 OVT इंजन इसमें लगवा देते हैं, तो सीधी सीधी इसकी 12-15% कॉम्बैट एफिशिएंसी बढ़ जाती है। उसका कारण क्या है कि उसके अंदर वेक्टर्ड नोजल इस्तेमाल होती हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, केवल 5th जनरेशन फाइटर्स के अंदर यूज होती है। दूसरा, इसको 3D थ्रस्ट मिलेगा और उस 3D थ्रस्ट का ये फायदा है कि इसकी मिनूवर करने की क्षमता बढ़ जाएगी और ये सीधा सीधा 2 फाइटर जेट के बीच में से निकल सकता है। यानी कि ये जो कैपेबिलिटी इसको मिलेगी ये न तो F-22 के पास है, ना सुखोई 35 के पास है और ना ही हमारे सुखोई 30 MKI के अंदर है। दोस्तों अब अगर हम बात करें इसके स्टेल्थ फीचर के बारे में, तो इसके अंदर मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि इसके अंदर रडार एब्जॉर्बेंट मटेरियल लगा है जिससे यह कम से कम रडार की पकड़ में आता है। इसके अलावा इसके एयर फ्रेम में भी मॉडिफिकेशन की गई है, और सबसे बड़ी बात जो है इसके अंदर जो रडार को ब्लॉक करने के लिए जो सिस्टम लगाया गया है वो रशिया ने SU-57 के लिए तैयार किया है। यानी उनका 5th जनरेशन फाइटर जेट के लिए जो रडार ब्लॉक करने के लिए सिस्टम यूज होता है वही इसके अंदर यूज होता है, तो ये हमारे लिए अच्छी बात है। और दूसरा, हमने LCA तेजस में भी काफ़ी ज़्यादा स्टेल्थ के ऊपर काम किया है, तो हम उस एक्सपीरियंस का फ़ायदा ले सकते हैं MiG-35 को और ज़्यादा स्टेल्थी बनाने के लिए, और रशिया के साथ में मिलकर इस पर काम कर सकते हैं। और दोस्तों, हमने अपने फाइटर जेट के अंदर काफ़ी ज़्यादा वेस्टर्न सिस्टम लगाए हैं और इसराइली सिस्टम लगाए हैं, तो हम वो भी इसके अंदर लगवा सकते हैं। जैसे कि आपको पता होगा, हमने SRM लगाया है, Python-5 मिसाइल या IRB-ER एक्सटेंडेड रेंज मिसाइल जो है हम सुखोई पे भी लगाने की कोशिश कर रहे हैं, और राफेल उस पर तेजस पे भी हमने लगाई है, तो हम उसको भी इसके ऊपर लगवा सकते हैं अपनी सहूलियत के हिसाब से। दोस्तों, एक फाइटर जेट की जो सबसे बड़ी चीज़ होती है वो होती है उसकी इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर कैपेबिलिटीज़। जैसे कि आप समझें, अभी जब बालाकोट के बाद में पाकिस्तान के 24 विमान हमारे यहाँ पर आए थे और सुखोई 30 का उनके मुकाबला हुआ था, तो सुखोई 30 पे 4-5 AIM-120 मिसाइलें छोड़ी गई जो कि लेटेस्ट वर्जन की है। उसके बावजूद सुखोई 30 बड़े आराम से उनसे बच गया और एक भी मिसाइल उसको हिट ना कर सकी, तो ये सब पॉसिबल हुआ इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर की वजह से। तो हमारे पास प्रूव्ड इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर है सुखोई 30 के अंदर। इसके अलावा हम तेजस MK2 के लिए एक बहुत अच्छा इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर जो है सिस्टम जो है डेवलप कर रहे हैं, और रशिया ने सुखोई 57 के अंदर भी बड़े वर्जन का नया लेटेस्ट ये चीज़ लगाई है, तो हम इसको भी MiG-35 के अंदर फिट करवा सकते हैं या लगवा सकते हैं। अब दोस्तों, मैं करूंगा सबसे बड़ी बात, और वो है ब्रह्मोस एयर लॉन्च्ड वेरिएंट। दोस्तों, ब्रह्मोस एयर लॉन्च्ड वेरिएंट जो है वो हमने सुखोई 30 2 विमानों के ऊपर उसको लगाया है, टेस्ट किया है, उसको तेजस पे भी उसका हल्का वर्शन लगाने की कोशिश कर रहे हैं
टेस्ट भी किया गया है। तो उस मिसाइल को अगर रशियन मिग 35 पे फिट करना हो तो ये हमारे लिए बच्चों के खेल जैसा है, यानी इसमें हमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ऑलरेडी हम कर चुके हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि ब्रह्मोस मिसाइल को जरूर इंडिया और रशिया ने मिलकर बनाया है, लेकिन उसको फाइटर जेट पे लगाने का काम केवल और केवल भारतीय वैज्ञानिकों ने किया है। और इसके अलावा तेजस और सुखोई 30 के अंदर हम जो भी परिवर्तन कर रहे हैं वो भी हम मिग 35 के अंदर कर सकते हैं, और इन सारे कॉम्बिनेशन से यह और ज्यादा डेडली हो जाएगा फाइटर जेट। तो एक बात और करते हैं, और कौन सी मिसाइल हम इसके ऊपर फिट कर सकते हैं। जैसे पहली बात होती है मिसाइल का जो हैंगर होता है जिसको पायलन बोला जाता है, वो हमने तेजस प्रोग्राम के लिए तैयार किया है, ड्यूल रैक है वो, तो वो भी हम इसके ऊपर लगा सकते हैं। इसके अलावा हमने एयर लॉन्च निर्भया मिसाइल का भी परीक्षण किया है, और यह एक सबसोनिक मिसाइल है, इसको भी हम फिट कर सकते हैं इसके ऊपर। और तीसरे नंबर पे जो हम अस्त्रा और एनजी रैम जो मिसाइल अपनी बना रहे हैं उसको भी हम बड़ी आसानी से मिग 35 पे फिट कर सकते हैं। अब दोस्तों मैं अंत में बात करता हूं क्या हमारे लिए अच्छा रहेगा। देखिए, अगर कोई फाइटर जेट ज्यादा से ज्यादा खूबियों के साथ में आता है और उसका प्राइस कम होता है तो हमें डेफिनेटली उसको खरीदना चाहिए। अब बात करते हैं रशिया की। रशिया को पहली बात तो पैसों की जरूरत है, दूसरा हमारे साथ उसका एक्सपीरियंस लंबा है, तीसरा वह दिल से ये कोशिश कर रहा है कि भारत के साथ कोई बड़ी डील की जाए, और इसके लिए वो पूरा प्रयास भी कर रहा है और हमारे हिसाब से ही हर चीज करने को तैयार है। तो ऐसे में अगर रशिया से थोड़ी सी और बात की जाए ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में, जैसा कि FGFA में जो कमियां रही हैं उसके बारे में भी बात की जा सकती है, तो शायद रशिया हमारी बात मान जाएगा। और दूसरी बात, अगर हम अन्य देशों की बात करें, बात करते हैं अमेरिका की, तो अमेरिका को आपको पता होगा टर्की के साथ में F-35 के कई पार्ट्स वहां पर बनते थे, और आज अगर टर्की S-400 खरीद रहा है तो अमेरिका उसके साथ कैसा बर्ताव कर रहा है, उसे F-35 बेच नहीं रहा, उसकी डील रद्द कर दी है। तो अगर हम अमेरिकन फाइटर जेट खरीद लेते हैं भविष्य में वह हमारे साथ भी हो सकता है, लेकिन रशिया के साथ हमारे साथ ऐसा कभी भी नहीं हुआ, तो इसलिए रशिया एक ट्रस्टवर्दी पार्टनर है, उसके साथ में ये डील करनी चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट के अंदर जरूर बताएं, और हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।